नमस्कार दोस्तों, दोस्ती तभी चलती है जब एक दूसरे की मदद की जाए। अगर कोई एक दोस्त दूसरे का फायदा उठाना चाहे तो इसे दोस्ती नहीं कहेंगे, फिर तो ये स्वार्थ हो गया और स्वार्थ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। तो आइए इस बात को इस कहानी से समझते हैं। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। एक जंगल में सालों पहले एक शेर रहता था। वो शेर काफी चालाक था। उसे हर एक जानवर से दोस्ती करके उसका फायदा उठाने में खूब मजा आता था। शेर सबसे अपना काम करवाने के बाद दूसरों को जरूरत पड़ने पर पीठ दिखा देता था। जंगल में सभी को पता चल चुका था कि शेर सबसे दोस्ती करके अपना मतलब निकालता है और फिर दूसरों की मदद नहीं करता। अब सभी लोग उस शेर से दूर रहने लगे। जंगल में दोस्तों की तलाश में घूमते घूमते बहुत समय बीत गया, लेकिन शेर को कोई नहीं मिला। एक दिन वो जब अपनी गुफा में जा रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ा भालू भी उसी गुफा के पास घर बनाकर रह रहा था। उसके मन में हुआ कि इस बार भालू से दोस्ती करके इसका फायदा उठाने में बड़ा मजा आएगा। रोज शेर यही सोचता था कि किसी तरह भालू से बात हो जाए। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन उसे भालू से बात करने का कोई बहाना नहीं मिला। एक दिन उसने देखा कि भालू तो बूढ़ा है। उसने मन ही मन सोचा, ये बूढ़ा भालू मेरे क्या काम आएगा? इससे दोस्ती करने का कोई फायदा नहीं है। एक दिन शेर ने भालू को चिड़िया से बात करते हुए सुना। चिड़िया भालू से पूछ रही थी, आप इतने बूढ़े हो गए हो तो खाना कैसे जुटाते हो? चिड़िया क्या बताएं? पहले तो मैं मछली पकड़कर खा लेता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भूखा रहता हूँ। मैं अब शहद खाता हूँ, उसका स्वाद बहुत अच्छा है। इसके लिए मुझे अंदर घने जंगल में जाना होता है और मधुमक्खियों से शहद लेकर आना पड़ता है। क्या करें, उम्र हो गई है। ये सारी बातें सुनने के बाद शेर भी मन ही मन सोचने लगा, मैंने भी कभी शहद नहीं चखा है। अब इस भालू से दोस्ती करके मैं शहद का स्वाद चख सकता हूँ। इसी सोच के साथ शेर ने एक योजना बनाई। उस योजना के तहत शेर भालू के पास गया और कहने लगा, आपने मुझे पहचाना? जब आप जवान थे तो आपने मुझे एक दिन कुछ मछलियां तालाब से निकालकर खिलाई थी। आपने मेरी इस तरह बहुत बार मदद की है। मैं हर बार खो जाता था और आपसे ही टकराता था। भालू को कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने सोचा, कितने सालों पुरानी बात है, हो सकता है कि कभी इसकी मैंने मदद की हो। भालू सोच ही रहा था कि तभी शेर ने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, कभी कोई जरूरत हो तो मुझे याद रखना। इतना कहकर शेर अपनी गुफा की ओर चला गया। भालू भी अपने घर चला गया, लेकिन उसके दिमाग में शेर की बातें घूम रही थीं। उसने सोचा, चलो कोई तो है जिससे बातें कर सकता हूं। अगले दिन शेर ने भालू से बातचीत शुरू की। इसी तरह शेर धीरे धीरे भालू से दोस्ती करने लगा। एक दिन शेर ने भालू को अपने घर खाने पर बुलाया। इधर भालू खाने का निमंत्रण मिलने से बहुत खुश था। उधर शेर ने सोच लिया था कि किसी तरह से वो भालू को रात में खाना खाने नहीं देगा। उसके मन में था कि मैं अपना खाना किसी को क्यों खाने दूं? मैं एक ही थाली में खाना लगाऊंगा और उसे जल्दी खत्म कर दूंगा। रात के समय जब भालू आया
तो शेर ने ऐसा ही किया। वो एक थाली में खाना लेकर आया, दोनों साथ में खाने के लिए बैठे। भालू बूढ़ा था तो वो आराम से खाना शुरू करने लगा। तभी शेर ने तेजी से खाना शुरू किया और कुछ ही समय में खाना खत्म कर दिया। भालू बहुत निराश हुआ। शेर ने कहा, दोस्त मैं ऐसे ही खाना खाता हूँ। दुखी मन से भालू वापस अपने घर आ गया। अगले दिन चिड़िया ने भालू से पूछा, अरे क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? भालू ने रात को शेर के घर में हुई सारी बातें बता दी। चिड़िया ने हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता शेर कैसा है, वो हमेशा सबसे दोस्ती करता है और फिर उसका फायदा उठाकर चला जाता है। वो कभी किसी की मदद नहीं करता। अब तुम्हें किसी तरकीब से ही उसको सबक सिखाना चाहिए। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ गई। भालू ने भी ठान ली कि वो अब शेर को सबक जरूर सिखाएगा। इसी सोच के साथ भालू एक बार फिर शेर की गुफा में गया। उसने बिल्कुल सामान्य तरीके से उससे बात की। उसने शेर को लगने नहीं दिया कि उसे रात की बात का बुरा लगा है। दोनों बातें करने लगे। बातों ही बातों में शेर ने भालू से पूछा, दोस्त तुम अपना रोज का खाना कहाँ से लाते हो? भालू ने शेर को शहद के बारे में बता दिया। शेर ने शहद का नाम सुनते ही कहा, दोस्त तुमने तो आज तक मुझे शहद चखाया ही नहीं, क्यों? ये बात सुनते ही भालू के मन में हुआ कि अब शेर को सबक सिखाने का मौका मिल गया है। उसने कहा, दोस्त तुम्हें शहद खाना है? इतनी सी बात? अरे तुम रात को मेरे घर पर खाने आना, मैं तुम्हें शहद खिला दूंगा। हाँ। शेर बड़ा खुश हुआ। वो रात होने का बेताबी से इंतजार करने लगा। रात होते ही शेर तेजी से भालू की गुफा की तरफ बढ़ा। शेर के आते ही भालू ने उसका स्वागत किया और बैठने के लिए कहा। उसके बाद भालू ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। शेर ने पूछा, अरे दोस्त तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? हैं? दोस्त अगर शहद की खुशबू किसी और ने सूंघ ली तो वो यहाँ आ जाएगा, इसलिए दरवाजा बंद करना जरूरी है, समझे? अब भालू ने मधुमक्खी का एक छत्ता लाकर शेर के सामने रख दिया और कहा, भाई इसी के अंदर शहद है, खाओ। जैसे ही शेर ने उसके अंदर मुंह डाला तो उसे मधुमक्खियों ने काटना शुरू कर दिया। उसका पूरा चेहरा सूज गया। शेर जिस ओर भी भागता मधुमक्खियां उसका उधर पीछा करती। आखिर में शेर ने भालू से कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि शहद कैसे खाना है? भालू ने तमतमाते हुए जवाब दिया, मैं शहद ऐसे ही खाता हूँ दोस्त। शेर समझ गया कि भालू ने उसे बदला लिया है, इसलिए वो वहां से चुपचाप चला गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी से मदद लो तो उसकी मदद करने के लिए तैयार भी रहो। हम दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। इसी प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।